डोमेन नंबर एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम डेफ सैक ऑप्स मैथडोलॉजी देखेंगे जो कि हमारी डेवलपमेंट मैथडोलॉजी की लास्ट मैथडोलॉजी है एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न इसके अंदर क्या होता है कि इट्स ए वे ऑफ अप्रोचिंग आईटी सिक्योरिटी एज एन एवरी वन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी हमने अक्सर सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं इसी माइंडसेट को लेके हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं इट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन डेवोप पाइपलाइन द गोल इज़ टू इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी इन टू ऑल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट वर्क फ्लो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल डेवोप्स कई हमारे पास मैथडोलॉजी है सिर्फ उसके अंदर फ़र्क यह है कि हमने इसके अंदर इसे इनकेप्सुलेट कर दिया है अंडर सिक्योरिटी जो कि एक लीनियर अप्रोच है फॉर टेस्टिंग द फेजिज ऑफ़ डिवेलपमेंट थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लीकेशन डिवेलमेंट अब इसके अंदर भी हमारे पास फिर पांच स्टेप्स आते हैं प्लानिंग, है टेस्टिंग ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग प्लानिंग के अंदर एप्लीकेबल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एज पर पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल्स अंडर एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारी एप्लीकेबल पॉलिसीज हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लानिंग में कोडिंग के अंदर क्या होता है कि डेवलपर्स को पहले ट्रेन किया जाता है फॉर सेफ़ कोडिंग फिर उनकी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आईडीई डी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो उसके अंदर इनके जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो ऑलरेडी कैपेबल होते हैं टू डिटेक्ट एंड अलर्ट सिक्योरिटी डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द बिल्डिंग और अपडेटिंग दी एप्लीकेशन जैसे ही वो बनाएंगे या बिल्ड करेंगे या डिप्लॉय करेंगे तो उन्हें ऑलरेडी वो टेस्ट करके बता देगा टेस्टिंग के अंदर होता है स्टैटिक एंड डायनामिक एप्लीकेशन टेस्टिंग जिसे हमने एस ए एस टी और डी ए एस टी भी पहले कवर किया था इंटीग्रेटेड इंटू ऑटोमेटिकली चेकिंग एवरी बिल्ड और चेंज इन एनवायरमेंट के कोई भी जो भी आप चीज़ डिप्लॉय करना चाहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पहले तो वो कोडिंग लेवल पे चेक होगी फिर टेस्टिंग लेवल पे भी इसे हम स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग करेंगे अब स्टैटिक टेस्टिंग ये होता है कि कोड सिर्फ चेक किया जाता है बिफोर इट runs on the production servers. Dynamic testing में ये होता है कि जब एप्लीकेशन run हो रही होती है उस वक्त उसे चेक किया जाता है हमारे पास आता है ऑपरेशन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि डेटा एक्टिविटीजन और बैकअप वगैरह हम इसके अंदर देखते हैं मॉनिटरिंग के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस उसकी सिक्योरिटी देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के थ्रू मोनिटर हो रही होती हैं जो कि उसके सारे हमें चार्ट और उसके ग्राफ्स दिखा रहा होता है कि एप्लीकेशन कहीं रिसोर्स उसके अंदर कम तो नहीं हो रहा है वो कहीं ज्यादा रिसोर्स सीपी के या हार्ड ड्राइव के या कंप्यूटर के अपनी वर्चुअल मशीन्स के तो नहीं ले रहा वो सारी चीज़ें देख के हम उसे फिर अप्रूव करते हैं कि वो एप्लीकेशन अपनी डेवलपमेंट और उसके बाद मॉनिटरिंग और उसकी रिलीज और उसकी अपडेट्स के अंदर जाती रहती है